दोस्तों, मैं योगेश कुमार यदुवंशी स्वागत करता हूं आपका टीएलसी द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल की। आज केवल प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी कि भारत किन देशों से घिरा हुआ है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत का एरिया कितना है। चलो हम ये देखेंगे। अब देखते हैं मेथड से। तो भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो छः भागों में किया गया है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और जो पिछली बार रेलवे का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी था कि भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो सबसे पहले पर्वत, देन मैदान, मैदान अपने इधर भी आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे, देन पठार, देन मरुस्थल, देन प्रायद्वीपी भारत, और उसके बाद द्वीप समूह। जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इतने भागों में भारत को विभक्त किया गया है। लेकिन चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले भारत का एरिया। किसकी बात करते हैं? एरिया। तो मैंने बोला आपको पता है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया है। कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्या है? एरिया है। चलो कोई इश्यू नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं भारत की लेंथ पर। भारत की किस पे? लेंथ पे। तो पहले हम देखें एरिया, मैंने बता दिया। अगर उत्तर से दक्षिण भारत को आप देखें तो ये आती है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम अगर भारत को आप देखोगे तो ये आएगा 2933 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर डेटा याद नहीं होते हैं, सर ये कैसे याद रखेंगे? तो चलो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो ध्यान रहे, अभी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा था राम मंदिर का। राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ था, तो राम ही थे जो उत्तर से दक्षिण आए थे। चलो अपन देख लें कैसे आए थे। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण, तीन लोग उत्तर से दक्षिण के लिए चले थे। कितने लोग चले थे? तीन लोग उत्तर से दक्षिण के लिए चले थे। माता सीता का अपहरण हो गया, कितने बचे? दो लोग बचे। कितने वर्ष का वनवास था इनका? 14 वर्ष का वनवास था मित्रों। कितनी लेंथ है उत्तर से दक्षिण की? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर याद हो जाएगा। अब बात आती है पूरब से पश्चिम की। तो मैंने कितना बताया? 2933, 2933 किलोमीटर। यार तुम उन्नति करोगे ना तो लोगों के तीतर उड़ेंगे। यार अगर तुम उन्नति करोगे ना 29 तो लोगों के तीतर उड़ेंगे। क्या उड़ेंगे? तीतर उड़ेंगे। 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर भारत की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम के लिए है। अब दोस्तों इसके बाद भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, भैया भारत किस अक्षांश के बीच में है, किस देशांश के बीच में है? सबसे पहले अपन देशांतर की बात करें। तो देशांतर की जब बात करते हैं तो क्या आता है? 68.7 से कितना? 97.25, ठीक है। हम यहां पे क्या करते हैं? हम यहां पे इनको भूल जाते हैं। 68 और 97, ठीक है। हमने उठाए बाहर बाहर के। देखो इधर पे बाहर कौन है? 6। इधर पे बाहर कौन है? 7। अंदर कौन है? 8। अंदर कौन है? 9। भाई इधर बाहर कौन है? देखो 6। इधर देखो बाहर कौन है? 7। याद हो जाएगा। 6 के अंदर कौन है? 8। 7 के अंदर कौन है? 9। बाकी पॉइंट तो हम देख ही लेते हैं। 6, 7, 8, 9 हमारा क्या हो जाएगा? देशांतर हो जाएगा। जब बात हमने की अक्षांश की तो यहां पे देखिए यहां पे क्या चल रहा है, 37.6 से लेके 8.4 तक कहां तक? 8.4 तक। भाई मैंने ये हटा दिया, याद रखना 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8 याद हो जाएगा आपको अक्षांश भी। मैंने क्या बोला? 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। पॉइंट में इतना इशू नहीं होता है। अगर आपको मैन जो मोटी रकमें याद है तो बाकी में गलतियां आपसे कतई नहीं होने वाली है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट बनता है
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? सभी को पता है 8 राज्यों को काटती है, लेकिन क्या हम उनको याद रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। याद रखने के लिए चलो मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप ये बताएं वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। मैंने भी कह दिया भैया पंडित झागूराम के 6 मित्र थे। पंडित झागूराम के कितने मित्र थे? 6 मित्र थे। चलिए मैं लिख के देखता हूं यहां पे, पंडित झागूराम कितने मित्र थे? 6 मित्र थे। कितने मित्र थे? 6 मित्र थे। ध्यान रहे कर्क रेखा की बात हो रही है। कितने मित्र थे? 6 मित्र थे। पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब तो नहीं भूलोगे पंडित झागूराम 6 मित्र थे। दोबारा मैं बताऊंगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां से गुजरे थे। ठीक है, अब बात आती है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो मैंने बोला भैया देखो आखिरी मौका है, पढ़ लो, लॉकडाउन है, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। आखिरी मौका है भैया, पढ़ लो। आखिरी क्या है? मौका है, आखिरी मौका है, पढ़ लो। M for मध्य प्रदेश, O for उड़ीसा, U for उत्तर प्रदेश, C for छत्तीसगढ़, A for आंध्र प्रदेश। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।